सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 13 की एक्टिविटी 13.4। सो 13.4 में आपको क्या करना है, आपको एक कॉपर वायर लेनी है, कुछ बैटरी के सेल्स लेने हैं और एक प्लग की लेनी है। देन हमें आपस में उनको जो है कुछ इस तरीके से जो है अरेंज कर देना है, ठीक है। अरेंज करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा जो कॉपर वायर का ये एंड है उसे एक कंपस नीडल के जो है पैरेलल जो है प्लेस कर देना है, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से प्लेस करना है कि जो कंपस नीडल है, देखिए हमें पता है कंपस नीडल हमारी नॉर्थ और साउथ को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। इसका जो पॉइंटेड एरिया है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। सो अगर ये हमारी कंपस नीडल है तो हमें क्या करना है, हमारे इसी के पैरेलल जो ये हमारी कॉपर वायर है उसे इसी के पैरेलल जो है वो प्लेस कर देना है। और प्लेस करने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो है की को प्लग कर देना है ताकि जो हमारा ये सर्किट है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो। और इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद हमें कंपस की नीडल में जो भी डिफ्लेक्शन होती है, जो भी मूवमेंट होती है उसे ऑब्जर्व करना है। सो जैसे ही हम क्या करेंगे, हम हमारे सर्किट से करंट को पास करेंगे, कंपस नीडल जो है वो जो कि हमारी पहले नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट कर रही थी वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, और मूव होगी और पॉइंट करेगी टुवार्ड्स ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट करेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ फिगर में आपको शो किया हुआ है। इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो हमारा करंट है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहा है। और करंट जब नॉर्थ से साउथ में डायरेक्शन में यहाँ कुछ इस तरीके से नॉर्थ से साउथ में करंट मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो जो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने सराउंडिंग क्रिएट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी कुछ इस तरीके से जो है मूव कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जो है इमर्ज हुई है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन्होंने कहा है कि अब जो सेल्स थे सर्किट में उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, राइट। कैसे, जैसे हमारे पहले सर्किट में सेल्स में क्या था, ये हमारा सेल का पॉजिटिव एंड था और ये नेगेटिव एंड। अब हमें क्या करना है, जहां पे हमारा पॉजिटिव एंड है वहां पर हमें रखना है नेगेटिव एंड को, और जहां नेगेटिव एंड था सेल का वहां हमें रखना है पॉजिटिव एंड को। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब हम हमारी की को ओपन करेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन पहले नॉर्थ से साउथ में थी वो हमारी साउथ से नॉर्थ की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जब हमारी की को ओपन करेंगे तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी उसे नोट करना है। अब देखिए, जैसे ही हमने जो है करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज होते ही कंपस नीडल की डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। और वो जो कंपस नीडल ईस्ट की साइड पॉइंट कर रही थी वो वेस्ट की साइड पॉइंट करना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि हमें पता लगेगा कि सिर्फ हमारी करंट की ही डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, हमारी जो इस करंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई है। जो मैग्नेटिक फील्ड पहले नॉर्थ से साउथ की तरफ जो प्रोड्यूस हो रही थी वो अब साउथ से नॉर्थ की साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो इससे हमने क्या सीखा, इस एक्टिविटी से हमने सीखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस हो रही थी उनकी डायरेक्शन भी जो है वो चेंज हो जाती है। सो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 13.4 कंप्लीट होती है। 13.4 का मेन मोटिव कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।